भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर हुए हमले को लेकर नित प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन यहां गौरतलब बात ये है कि खेसारी लाल यादव को अपना छोटा भाई मानने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस हमले की घोर निंदा की है और साथ ही ये कहा है कि उन पर हमला करने वाले लोगों को वो नहीं बख्शेंगे। आपको बता दें कि लगातार खेसारी लाल यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। कई दिनों से उन्हें लोग फोन करके उन्हें बकायदा धमकी दे रहे थे। खेसारी लाल यादव पर लगातार लग रहे थे अश्लीलता के आरोप और साथ ही उन्हें ये बताया जा रहा था कि भोजपुरी गानों के जरिए वो अश्लीलता फैला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल के अलावा भोजपुरी के कई ऐसे सिंगर हैं जिन पे अश्लीलता के आरोप लग चुके हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव पर किया गया हमला ये साफ बताता है कि किसी ने उन्हें अश्लील गानों या फिर भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने के लिए नहीं हमला किया है, बल्कि अपनी जाति दुश्मनी के चलते ये हमला हुआ है। लेकिन आपको अगर मुझे मारना ही है तो भाई आप बुला लीजिए मुझे और मुझे अपने बीच में मार दीजिए ना। मेरे वजह से कुछ पब्लिक को, मेरी जनता को जो मुझे मोहब्बत करती है, आप फेसबुक आईडी पर अपने डाले हुए हैं कि मैंने अश्लीलता के विरोधी आगाज कर दिया है। मैं एक जादू समाज का बेटा हूं, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं आगे बढ़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मेहनत किया और मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरे जाति के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मेरे जाति के नहीं हर जाति के लोग। और आप कह रहे हैं कि अश्लीलता का आगाज कर दिया। मैं जहाँ भी शो करने जा रहा हूँ भाई लोग, मैं आज दुख से आ रहा हूँ, कल मेरी हत्या हो जाती, कम से कम 200 पत्थर मेरे गाड़ी पे चले हैं, एक भी शीशा बचा नहीं था, सिर्फ मेरे गाड़ी पे। और वहाँ पे इनके समाज के लोग, ऐसा नहीं कि बहुत सारे समाज के वहाँ लोग थे, और राजपूत समाज के लोग भी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। लेकिन मेरे वजह से यार वहाँ पब्लिकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरे पब्लिक जो मुझे मोहब्बत करती है, मुझे देखने आती है, उसमें हर समाज के लोग होते हैं। कुछ अपने समाज के लोगों को, राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिलाकर, और ये मेरा हत्या कराने के हर जगह ये मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं जे मैंने आगाज कर दिया। क्या साबित करना चाहते? खेसारी लाल यादव पर हुए इस हमले का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो खेसारी लाल यादव की जान भी जा सकती थी। और ये पूरी तरह से निंदनीय है कि अगर आपको किसी कलाकार की कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो उसे जान से मारना या जान से मार देने की धमकी देना, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार खेसारी लाल यादव को जान से मारने की धमकी और कई बार हमले किए जा चुके हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन खेसारी लाल यादव पर हुए इस हमले की निंदा भोजपुरी का हर एक्टर और हर बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।